अब आपको सीधी तस्वीरें दिखाते हैं। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से जुड़ी खबर है। बोर्ड ने 10वीं परीक्षा का परिणाम जारी करने की तैयारी कर ली है और साथ ही प्रवेशिका परीक्षा का भी परिणाम जारी किया जाएगा। तस्वीरें सबसे पहले फर्स्ट डी आपको दिखा रहे हैं और इस दौरान बोर्ड प्रशासक महेशचंद शर्मा परिणाम जारी कर रहे हैं। परीक्षा में उत्तीर्ण विद्यार्थियों को शुभकामनाएं देंगे। दरअसल 10वीं कक्षा में 10,62,341 विद्यार्थी पंजीकृत हैं, जिनका परिणाम कुछ ही देर में जारी किया जाएगा। आपको बता दें कि राजस्थान कक्षा बोर्ड 10 की परीक्षा 7 मार्च से 30 मार्च 2024 तक चली थी। दो पारी के अंदर यह परीक्षा हुई थी और आरबीएसई द्वारा कक्षा 10 के लिए माध्यमिक सीडब्ल्यूएसएन परीक्षा 7 मार्च से 27 मार्च, और देखिए परिणाम जारी कर दिया गया। इस वक्त की बड़ी खबर, परिणाम जारी कर दिया गया है। ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, परिणाम जारी कर दिया गया। सबसे पहले फर्स्ट इंडिया आपको तस्वीरें दिखा रहा है। बोर्ड प्रशासक महेश शर्मा जानकारी देंगे कि 10वीं की परीक्षा में किसने टॉप किया और कितने परसेंट यह परिणाम रहा है। मेरे सहयोगी शुभम जोड़ गए, शुभम जानकारी दीजिए। जी बिल्कुल, देखिए जो बोर्ड के प्रशासक है महेश चंद शर्मा, उन्होंने बोर्ड का जो 10वीं का परिणाम है वो जारी कर दिया है और ऑनलाइन उन्होंने बटन दबा करके परिणाम जारी किया, जिसके बाद जो परिणाम है वो जारी कर दिया गया। साथ के साथ अब जो बोर्ड के प्रशासक है वो बोलना शुरू हो चुके हैं। परीक्षाओं का परिणाम अभी घोषित किया है। माध्यमिक परीक्षा, माध्यमिक व्यावसायिक परीक्षा, प्रवेशिका परीक्षा और प्रवेशिका व्यावसायिक परीक्षा। माध्यमिक और माध्यमिक व्यावसायिक परीक्षा में 10,39,895 परीक्षार्थियों ने भाग लिया था, प्रविष्ट हुए थे, और इसका जो परिणाम है वो 93.03% रहा है। इसमें भी छात्रों का जो उत्तीर्णता प्रतिशत है वो 92.64 है और छात्राओं का है 93.46, अर्थात छात्राओं का प्रतिशत ज़्यादा रहा है छात्रों की बजाय। माध्यमिक और माध्यमिक व्यावसायिक में 5,62,686 छात्रों में से 2,74,522 छात्र और 4,98,065 छात्राओं में से 2,71,131 छात्राएं प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण हुई है। तो इस प्रकार परिणाम काफ़ी अच्छा रहा है। प्रवेशिका और प्रवेशिका व्यावसायिक, इस परीक्षा में कुल 6,843 परीक्षार्थी प्रविष्ट हुए थे और इसका जो परिणाम है वो 82.54% रहा है, जिसमें भी छात्रों का उत्तीर्णता प्रतिशत 80.27 और छात्राओं का उत्तीर्णता प्रतिशत 84.48 रहा है। दोनों ही परिणाम माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की ओर से समय के ऊपर घोषित किए गए हैं। इसके लिए हमारी जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की टीम है, पूरी सेक्रेटरी साहब और इनके नेतृत्व में पूरी टीम है, उनको मैं हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। साथ ही जो परीक्षार्थी, जिन परीक्षार्थियों ने इस परीक्षा में भाग लिया था, उन सभी को भी हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं, और ये हम उम्मीद करते हैं कि आगामी शैक्षणिक जीवन में भी वो इसी प्रकार की उपलब्धियाँ हासिल करेंगे।